हाय गाइस, गुड इवनिंग। एक बार फिर हम अपने YouTube के साथ आपके साथ, और फिर सब्जेक्ट आया है। पहले हमने ग्रिप पे बनाया, अब हम स्टांस पे बनाते हैं, और इसके बाद रहेगी बैकलिफ्ट। तो राहुल स्टार्ट करें। ओके राहुल, हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टांस पे, कि कैसे क्रिकेट में जो की बॉडी लैंग्वेज है, क्रिकेट की लैंग्वेज में खड़े रहने को बोलते हैं स्टांस, कि आप खड़े कैसे होते हो। तो खड़े होने का सबसे अच्छा जजमेंट तरीका जो रिसर्च कहती है, जो हम लोगों ने सीखा अपने सीनियर से, वो ये है कि 4 to 6 इंच का गैप रहता है, और आपका शोल्डर अपार्ट, आपका शोल्डर के नीचे बिल्कुल आपका पैर लैग होते हैं, राइट और लेफ्ट लैग, और बिल्कुल उस पर वेट आता है, और 4 to 6 इंच का गैप रहता है, और आपका जो लेफ्ट हैंड है, वो लेफ्ट हैंड है आपका लेफ्ट जो लेफ्ट थाई के पॉकेट के पास क्लोज रहेगा, और आपका सर थोड़ा सा आगे की तरफ रहेगा, क्योंकि वो नोटिस करेगा। हेड थोड़ा हल्का सा हम आगे इसलिए रखते हैं कि जब हम बॉल पे हेड के थ्रू जाते हैं, तो हमें फील आता है, तो फील बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि आपका बैकलिफ्ट फर्स्ट लिप से आ सकता है, स्टमाइट से भी आ सकता है, ये कंफर्टेबल आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप एग्जीक्यूशन करते हैं। तो मेरे ख्याल से स्टांस सीधी सिंपल है, कि शोल्डर अपार्ट होना चाहिए, सिंपल स्टांस होना चाहिए, ना ज़्यादा वाइडर स्टांस होना चाहिए। तो इसमें मोबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है, आपके स्टेबिलिटी बढ़ गई है, तो इससे आप कट पुल के लिए ईजी हो जाता है। ज़्यादा क्लोज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, जिस तरह से हमने इधर वाइडर रेंज किया था तो क्या हुआ था, बैलेंस बहुत अच्छा हो गया, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई, मोबिलिटी खत्म हो गई। यहाँ पे आ गए तो यहाँ बैलेंस खत्म हो गया। तो इसीलिए रिसर्च कहती है कि 4 to 6 इंच का गैप होना चाहिए, ताकि हमारा बॉड मूवमेंट बहुत ईजिली फ्रंट फुट और बैक फुट हो सके। तो ये हमारा स्टांस वर्कआउट था, बहुत सिंपल है। शोल्डर अपार्ट खड़े रहना है, सिंपल खड़े रहना है, हाइट को थोड़ा सा आगे रखना है, और विज़न दोनों आँखों से होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और बॉडी साइड ऑन पोजीशन पे रहना चाहिए, सीधी सी बात है, और सिंपल सिंपल खड़ा रहना चाहिए। बैट ना इधर अंदर से, ना बॉडी ना शोल्डर बंद हो, ना शोल्डर खुला हुआ, स्लाइडली, और दोनों आँखों से ओपन रहेगा, हेड थोड़ा सा आगे रहेगा। आगे रहने का मतलब है फील रहेगा, जब बॉल के थ्रू आप हेड के थ्रू बॉल पर जाएंगे तो आपको फील आएगा कि आप किधर है, आपके हेड पोजिशन क्या है। तो स्टांस खड़े रहने का तरीका बहुत कुछ बयां करता है कि इसका बैटिंग में कितना रहेगा। फिर भी ये रिसर्च है, आपको जैसा आपका अच्छा लगता है, अप्रॉक्स लगता है, आप अपने कोच के माध्यम से और इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, स्टांस का मतलब होता है कि आपका खड़े रहने का तरीका बहुत सिंपल होना चाहिए। आपका शोल्डर बंद करना, पैर आपका आगे नहीं आना चाहिए, एक लाइन मार्क कर दीजिए, ये लाइन मार्क करके दोनों पैर आपने देखा एक ही लाइन में, ना ये ज़्यादा इधर है, ना ये ज़्यादा इधर है, क्योंकि आज स्टांस क्या क्या स्टाइल चला, कोई ऐसा खड़ा होता है, कोई ऐसा खड़ा होता है, तो किसी को अंदर आने वाली बॉल पे प्रॉब्लम आता है, किसी को बाहर जाने वाली बॉल पे प्रॉब्लम आता है। तो रिसर्च कहती है कि आप नॉर्मल खड़े रहो, और शोल्डर अपार्ट खड़े रहो, और सीधी सी बात है कि नी हल्की सी फ्लैक्स रहेगी, नी बैंड को नहीं बोलेंगे, नी फ्लैक्स रहेगी, ताकि नी बैंड होने से क्या होता है, बैंड नहीं होती, फ्लैक्स होती हल्की सी, ताकि वो मूवमेंट में ईजीली रहता है। तो शोल्डर अपार्ट बेस्ट है, और सिंपल खड़े रहना है, हेड को थोड़ा आगे रखना है, जिस तरह मैं खड़ा हूँ ये, और मेरा कंट्रोल टॉप एंड पे, देखिए टॉप एंड रिस्ट कॉक है, अब रिस्ट कॉक है, तो रिस्ट कॉक होना जरूरी है, आपका कंट्रोल टॉप एंड से आ जाता है, और आपका बैट हमेशा कमर हाइट के ऊपर से आना चाहिए, जिससे एडवांटेज आपको ये रहता है कि रिस्ट का कंट्रोल टॉप एंड से स्टार्ट हो जाता है, तो आपका बॉटम एंड डोमिनेट होना बंद हो जाता है, और इसलिए स्टांस पे ज़्यादा वर्क किया जाता है। स्टांस हुआ, ग्रिप हुआ, बैकलिफ्ट हुआ, यही एक कंसर्न है जो बैटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।